told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Assalamualaikum, welcome back to our YouTube channel. So guys, आज है 23 जनवरी. कॉल आया मुझे. सो गाइज, आज है 23 जनवरी और आज मैं अपने स्कूल में जाने वाली हूँ. जैसे कि आप जानते हो 26 जनवरी काफ़ी नज़दीक है, 2 दिन बचे हुए हैं. इस वजह से मैंने कुछ चीज़ें अपने स्कूल के लिए देने के लिए करी हूँ. बहुत छोटी सी चीज़ है गाइज, मेरे लिए तो बहुत छोटी चीज़ हो गई है जो मैं अपने स्कूल के लिए कर रही हूँ, लेकिन स्कूल ने बहुत कुछ मुझे दिया है. अपने स्कूल ने वो शिक्षा दी है, वो यादें दी है जो आज मैं जा रही हूँ अपने स्कूल में. तो प्रिपरेशन और तैयारी मैंने की हो तो कैसे लग रही हूँ जरूर कमेंट्स करके बताना. यूट्यूब मैंने टी शर्ट लिया था तो गाइस कैसी लग रही हूँ जरूर कमेंट्स करना बताना चाहूंगी. गाइस ज्यादा से ज्यादा नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. तो मैंने जो जो ली हूँ, बिस्किट ली हूँ और चॉकलेट ली हूँ. देखो तो ये सारी चीज़ें मैं शो ऑफ नहीं करती गाइस, बट अपनी तरफ से जितना हो सका मैं अपने स्कूल के लिए करना चाहती हूँ. बहुत छोटी चीज़ है गाइस, ये तो मेरे लिए काम बात है कि अभी नॉर्मल चीज़ें दे. जबकि जिस कंडीशन से अगर मैं आगे बढ़ूंगी ना, इंशाल्लाह जरूर आगे चल के, तो मुझसे जितना हो सका मेरे स्कूल के लिए मैं जरूर करूंगी. बहुत सारी पुरानी यादें हैं स्कूल से जुड़ी हुई जो आपसे बयां करूंगी जरूर. और अभी बज रहे हैं 11:30, बहुत वेट हो गया, बहुत टाइम हो गया. 12 बजे तक मुझे निकलना था बट लाइट है ना, लाइट आ रही थी, लाइट चली गई थी 1 घंटे के लिए. इस वजह से चलो अभी मैं निकलती हूँ. और आज मैं आपको अपने प्रिंसिपल सर से, अपने मैडम सर से, सभी से मैं आज आपको मिलाऊंगी. मेरी पुरानी सहेलियां जो है उनका नाम भी आज मैं लूंगी अपने ब्लॉग में. और आज आपको सारी चीजें दिखाऊंगी कि मैंने अपने स्कूल में क्या क्या रिमाइंड, हर चीज़, वो यादें, वो पल जो कहाँ कहाँ हम लोग स्कूल के अंदर जब सुबह मॉर्निंग में आते थे तो कितना समय, कितना टाइम, कैसे हमने बिताया है. तो डेफिनेटली ये चीज़ें तो मैं कहती हूँ लाइफ में ना बॉयफ्रेंड भूल जाओ, लेकिन पुरानी चीज़ें कभी मत भूलो, क्योंकि वही पुरानी चीज़ों की यादों से ही आपकी ज़िंदगी ज़्यादा जुड़ी हुई है. तो चलो मैं निकलती हूँ गाइस, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना नए हो तो. ये हो गया है सामान रेडी. सो गाइज फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी मैं निकलने वाली हूँ. आई होप सो. और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. मेरी नई फैमिली हो आप सभी. अभी मैं निकल रही हूँ हमारे स्कूल. बहुत ज़्यादा हैवी है एंड आप लोग भी अपने स्कूल में ज़रूर जाइए, अपनी पुरानी यादों को ताज़ा ज़रूर करिए. चलिए मैं निकलती हूँ, अपने स्कूल को एक्सप्लोर करूंगी और आपको सभी को दिखाऊंगी. आज अब्बा घर पे है, चलिए एवरीवन निकलती हूँ. सो गाइज अब्बा के साथ निकल रही हूँ मैं, क्योंकि अब्बा छोड़ने के लिए जा रहे हैं मुझे. चलो धूप भी हो गई है और ऑटो मिले या ना मिले इसलिए मैं अब्बा के साथ निकलती हूँ. मैंने छोड़ दो. तो ये हमारी गुंजू के बच्चे और रहे अब्बा. पापा सलाम करो. वालेकुम अस्सलाम. चलो अब्बा छोड़ रहे मुझे, मैं निकलती हूँ. जाओ संभाल के. सो गाइस फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपने स्कूल. आज मैं आपको अपने सर से, सभी से मिलाऊंगी, कोशिश करूंगी. तो गाइस फाइनली पहुंच गई स्कूल. अक्सर बचपन की पूरी रिमाइंड चीज़ें होते रहती है आपके साथ और मैं आज आप सभी को दिखाऊंगी. ये है रहा प्रार्थना हॉल. हमारे प्रिंसिपल सर यहाँ से गुजर. चलो मैडम या सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गई अपने स्कूल. मैं प्रिंसिपल सर के ऑफिस में आज बैठ रही हूँ. ये हमारे सर. हमें बहुत डर लगता था, वो वाला डर नहीं लेकिन रिस्पेक्ट वाला डर है, दैट्स इट. गाइस ये है हमारे प्रिंसिपल सर का ऑफिस. मैडम या हाय. ये हमारे मैडम है. मैडम कैसे मस्त मैडम मस्त. ये हमारे मैडम लता मैडम. पिछली वीडियो में हमने आपको बुलाई थी बट सो मच एक्साइटेड हूँ गाइस. हमारे मैडम बोलते ना, गुरु बिना ज्ञान अधूरा. तो ये हमारे गुरु मैडम बने. बहुत यादें ताजा हो जाती है. तो आज मैं आप सभी को पूरी चीजें दिखाऊंगी. ऑलमोस्ट मेरी सभी फ्रेंड्स विजया देवकुले, ऑलमोस्ट यू, स्पेशली यू, बहुत ज्यादा मिस करती है. विजया देवकुले, दीपाली, रेशमा, लुईस, ओमकार और सारंगी, सुरेखा, कोमल, एवरीबडी. कुछ मिसिंग हो गया होगा तो सॉरी. कल्पना, प्रियंका, तो इन सभी का मैं नाम ले चुकी हूँ ऑलरेडी. कुछ मिसिंग हो गए होंगे तो सॉरी एवरीवन. बट आज आप लोगों के लिए स्पेशल वो पुरानी यादें, पुरानी चीज़ें रिमाइंड करने के लिए आई हूँ जो आप लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो. शायद शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये यादें जो हमने सबसे ज़्यादा साथ बिताए हैं. तो सभी चीज़ मैं आज आपको दिखाऊंगी. प्रार्थना हॉल दिखाऊंगी, एक एक क्लास दिखाऊंगी. देखो हम कितने भी लाइफ में बड़े बन जाए, कितने भी लाइफ में आगे बढ़ जाएगा, तो ये चीज़ें कभी नहीं खो सकते हम. ये चीज़ें इतना अड़कमोल मैडम लई मिस करते मी तुम्हाला खरच. तुम्ही रिटायर झाले तो ना इथून? ओके, दुसरे स्कूल में वो शिफ्ट हो गए. मैडम आई रियली मिस यू मैडम, तुम्हाला लई मिस करते मी. पुढल्या वर्षी तुम्ही जाणार आहे? पुढल्या वर्षी म्हणजे
फरवरी को। कोई बात नहीं, हम लोग घर में मिलेंगे मैडम। तो गाइज आज मैं आपको अपने एक एक क्लास को दिखाऊंगी। क्लास चालू है मैडम। मैं कमी मैडम हमकी आठवणी। तो ये रहा 8th स्टैंडर्ड का मेरा क्लास एंड आई रियली मिस। तो गाइज फिलहाल हम लोग इनको लीव करते हैं, एग्जाम चल रहे हैं इनके। पेपर है ना मैडम इनके पास? तो ये 9th स्टैंडर्ड का क्लास है हमारा, मैं आपको बाहर से दिखा देती हूँ। तो ये 9th स्टैंडर्ड है हमारा। आई रियली मिस गाइज, सच बता रही हूँ आपको, बहुत मिस करती हूँ मेरे स्कूल को मैं। ये हमारा पूरा क्लास, एक एक चीज़ें आपको याद होगी मैं बताऊँगी। हमारे स्कूल में चाहे कलर कितने भी चेंज हो जाए, कलर लग जाए, सब कुछ लग जाए, लेकिन हमारे लिए वही चीज़ें हैं हमारी स्कूल। कितना भी चेंज आ जाए वही है। यहाँ से हमारे प्रिंसिपल सर खड़े होकर हमें देखते थे गाइज कि कौन क्या कर रहा है, उनके रिएक्शन। विजया बघत लेस का तुला 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड पण दाखवलंय मी शाळेत आपले। विजय बघ आता मॅडमनी स्वतः सांगितले प्लीज येऊन जा, त्यांचे आता ते रिटायर पण होतील पुढल्या महिन्यामध्ये। हा पुढल्या महिन्यात मॅडम, फेब्रुवारीला। 10 फेब्रुवारीला माझा वाढदिवस आणि 29 फेब्रुवारी नॉट अ इश्यू, आम्ही येऊ मॅडमला तरी पण भेटायला। मॅडम के इमोशनल माझ्या आहेत मैडम, बहुत याद करते हैं। देखो मैंने आपसे एक बात ये कहा कि गाइस हम कितने भी लाइफ में आगे बढ़ जाए, बच्चे वाले हो जाए, आगे अपनी घर गृहस्थी भी देख ले, लेकिन ये चीज कभी नहीं भूल सकते गाइस। और मैं आप लोगों को भी कहूंगी, आप लोग भी अपने स्कूल में जाइए, अपनी पुरानी यादों को ताजा करें, क्योंकि ये सब चीजें नहीं मिल सकती। बहुत दर्द होता है वो जब लाइफ में रविवार गेट टुगेदर होता है, और हम लोग जरूर आएंगे, हम लोग जरूर आएंगे। मैडम रिटायरमेंट जिस दिन है उस दिन उनका शायद एक जो बोलते ना एक छोटा सा वो करने वाले हैं सेलिब्रेशन जो भी है, तो हम लोग जरूर आएंगे। और मैं आपको बहुत चीजें अब दिखाऊंगी। अभी बच्चों के 10th के क्लास जो है ना एग्जाम है, एग्जाम हो जाने दो, फिर मैं हॉल वॉल सब बता दूंगी आपको। आज विजया स्पेशली यू हाँ प्लीज बघ मैडम सांगते, एकदा तरी तू येऊन जा मैडम जी भेटून जा, ते सगळं दाखव, नंतर बघ काय काय आहे ते आहे सर्व दाखवते मॅडम। हे पण बघ सगळं चेंज झालंय, विजयाला ये म्हणून एक दिवशी कर आठवण। हाँ हाँ ते है ना ग्रुप मध्य सगली आई थी। सो गाइज ये है हमारा 10th स्टैंडर्ड, आपको दिखाना चाहूंगी। हाँ तो अभी है ना 10वीं के एग्जाम चल रहे हैं, तो ये 10वीं की जो क्लास है। विजया माझी सर्व मैत्रिणी बघून घ्या, तुमची आठवणी ही शाळा, ही शाळा माहिती आहे तुला, अपन खिड़की मधून यहाँ से देखते थे सभी को बाहर से के क्लास चलता था, तो चलो थोड़ा सा बाहर नजर डालो, यहाँ वहाँ देखते देखते। तो यहाँ पर भी आपको बताना चाहूँगी गाइस, वो स्पेशल आई मीन फोर्स का है जो एकेडमी होती है उनका, वहाँ पर है। तो ये रही गाइस मेरी स्कूल, आई एम सो मच हैप्पी गाइस। ये मेरी क्लास है 10th स्टैंडर्ड, मैंने यहाँ पर करी हूँ कम्प्लीट, और एक प्राउड फील होता है अपनी स्कूल को देखकर। ये मेरा बेंच, हम लोग कहीं भी बैठ जाते थे, कितना सुकून आता है ना कभी कभी अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए। देखो मैं कहती हूँ ना, जो ज्ञान आपको मिलता है, चाहे किसी भी एज में आप कितने भी आगे बढ़ जाओ, किसी भी फील्ड में आप आगे बढ़ जाओ, आपको जो चीज़ें मिली है स्कूल से आपकी पुरानी चीज़ों से, वो यही है। आपके पीछे आपके सर मैडम ने कितनी तकलीफ में मेहनत करके आप लोगों को उस मुकाम तक लेके आए हैं, और मैं जो फील कर रही हूँ ना गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पुराने रिमाइंड 2005-06 में चले गई हूँ। ये बेंच को फील करना, ये सब कुछ फील करना मेरे लिए बहुत अंदर से इमोशनल है गाइस, कि मैं इतना फील कर रही हूँ। अगर मेरे पास कोई जाने किसी छड़ी होती ना, तो मैं अपना 2005 और 2004 जो मैंने अपना वक्त गुजारना था मुझे एक स्कूल के अंदर, मैं फिर से वो लाती, वो दिन फिर से लाती, अगर कुछ ऐसी जाने की छड़ी हो जाती तो फिर से। कभी कभी क्लास में हम लोग है ना मैडम सिखाते रहते थे, तो हम लोग है ना थोड़ा क्लास ये कर देते थे, क्या करते थे वहां फायदा, यहाँ पर किताबें रख देते थे और ऐसा रख करके आके बंद कर देते थे, नींद आ जाती थी ना दोपहर के वक्त में, थोड़ा झपकी मार के लेते थे, और कुछ खाने की चीजें लाए ना तो नीचे ऐसा रखते थे और ऐसा अपने मिला लिए। मैं चाहती हूँ कि नए जनरेशन लोगों को कुछ सीखने मिल जाए, और मेरे ब्लॉग से आप लोगों को भी कुछ सीखने मिल जाए कि लाइफ में किस तरह से आप लोगों को अचीव करना है, क्योंकि आपके सक्सेस होने में सिर्फ आपका अकेले का हाथ नहीं है,
उस सक्सेस में इन सबका भी हाथ है, जो आपके सर मैडम जिन्होंने इतनी मेहनत की है। और मैं पूरी कोशिश करूंगी मेरा जहाँ से स्कूल जो मैं बालवाड़ी पहली दूसरी तीसरी में वो स्कूल आपको जरूर दिखाऊंगी, वो भी यादें जरूर ताजा करूंगी। और एटलीस्ट कम से कम मैं तो बोलूंगी कि अपने घर से परिवार से बाहर भी एक छोटी सी दुनिया है आपकी, ये इस दुनिया को जरूर महसूस करना चाहिए। बहुत फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा फील करना कोई छोटी बात नहीं है। देखो हमारे हाथ में बोलते ना वक्त का वो ठहराव नहीं है कि हम कुछ कर सके, लेकिन हाँ ये तो कर सकते हम कि एक बार हमारी स्कूल में जा सकते हैं, वो पुरानी यादों को ताज़ा कर सकते हैं। विजया स्पेशली यू तुला लई आठवण येत असेल ना ग, म्हणून मी आज म्हणजे विचारच केला की वो फील आप सभी को मेरी सभी फ्रेंड्स को दिखाने के लिए लाई हूँ यहाँ पर। आई रियली मिस ऑल ऑफ यू, आई रियली मिस यू। तो यहाँ पर भी बैठ कर हम लोग है ना पढ़ाई कम रहती थी, ऐसा नहीं कि पढ़ाई में हम लोग काम चोरी करते, पढ़ाई भी करते थे, ऐसा नहीं कि मैडम सर को ज़्यादा परेशान करते थे, देखो उनकी बात हम सुन भी लेते थे। हर चीज़ का लाइफ में आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके स्कूल, आपका वो बचपना, आपके वो हर एक एक मोमेंट, साल के 365 दिन आप लोगों ने कैसे वक्त गुजारा। आज मैं स्कूल में बैठ कर लिख रही हूँ कितनी मस्ती होती थी, कितना टाइम वो गुजार लेते थे हम लोग। हम सामने बोर्ड होता था, ये दिखा रही हूँ ब्लैक बोर्ड, मैडम हमारी चिल्ला चिल्ला के थक जाती थी, अरे इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, बोल बोल के लेके हमारा ज़्यादा ध्यान पढ़ लिए तो पढ़ लिए वैसा रहता था। लेकिन आज थोड़ा तो वो चीज़ का है एहसास ज़रूर है कि हमारी जितनी भी सक्सेस लाइफ है उसके अंदर कहीं ना कहीं ये जो क्रेडिट है वो हमारे सर और हमारे मैडम को दोनों को ज़रूर रहेगा, मरते दम तक रहेगा। मैं कहूँगी मरते दम तक का, क्योंकि ज़िंदगी देखो आप लोगों ने इस प्लैनेट पर आए हो तो ये नहीं सोच के आए हो कि आप कितने साल जिंदा रहेंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर सोच के आए होंगे कि इस प्लैनेट पर रहने के लिए जितना आपको संवारने के लिए इन्होंने इतनी मेहनत की है ना, वो बहुत ज़्यादा आपके प्रिंसिपल, आपके मैडम, सभी लोगों का हाथ है जो जो आपके छोटे छोटे हिस्से में आपका साथ इन्होंने दिया है। देन इतना आई एम 34 ईयर्स और मुझे स्कूल छोड़कर तकरीबन हो गए गाइस 18 साल हो चुके हैं। और मैं स्कूल में 2004 में आई थी, जब 8 स्टैंडर्ड से हमारा स्टैंडर्ड स्टार्ट था 2004 में मैं आई थी स्कूल में। शुरू में देखो हमें एक वो लगता था कितनी पढ़ाई देंगे लोग, कितनी पढ़ाई देंगे, एक बोलते ना वो लोड लगता था पढ़ाई का लोड। और तब के टाइम में ना कॉम्पिटिशन इतना नहीं था हमारे टाइम में, हमें स्ट्रेसफुल था ही नहीं इतनी लाइफ कि हमें कॉम्पिटिशन करने की ज़रूरत पड़े कि वो कितना पढ़ाई में आगे हो रहा है या मैं कितना। हम लोग अपनी काबिलियत के लिए आगे बोलते ना एक शार्पनेस को साफ रखने के लिए करते थे कि हमें पास होना है बस, दैट्स इट, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कुछ मायने मेरे लिए नहीं था ना, हमारे क्लास में कभी हमें प्रेशराइजर किया गया इस चीज़ के लिए, हम सिर्फ ये सोचते थे कि बस कुछ भी हो पास हो जाओ बस, ये मैटर करता है। और स्पेशली प्रिंसिपल सर मैडम ने बहुत सपोर्ट किया गाइस, हम लोगों को सभी बुक सपोर्ट किया उन्होंने कि तुम लोग पास हो जाओ कम से कम, अच्छे नंबर तो आ जाए कुछ ना कुछ करके पास तो हो जाओ कम से कम, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। और स्कूल में जब भी कुछ फंक्शन होता है या फिर कुछ भी ऐसा होता है तो हम लोग इस तरह से ये देख सकते हो इस तरह से चार्ट बना के लेके आते थे, कुछ भी हो किसी का, कोई अगर किसी लीडर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो, स्पेलिंग हो, हम लोग बहुत ज़्यादा एक वो चीज़ें रहती थी कि सजावट करना। आई होप सो के आप नेवर फॉरगेट, आप लोग इस चीज़ को फॉरगेट मत करिए, एक बार विजिट करो, अपनी स्कूल की यादों को ताज़ा करो, इसी के सहारे मैं बोल रही ना, इसी के सहारे ही आपको अपनी यादों को ताज़ा जरूर करना है। और देखो मैं यही सोचती भी हूँ अब तक कि, मैं आपको बताती हूँ मैं क्या सोचती हूँ, मैं यही सोचती हूँ गाइस कि स्कूल के लिए ये सब चीज़ें, ये बोलते हैं जो मैंने अभी जस्ट आई वो कोई मेरे लिए मायने नहीं रखता है, मेरे लिए मायने ये रखता है कि मैं कितना ज़्यादा करना चाहती हूँ वो मायने रखता है मेरे स्कूल के लिए, बाकी कुछ मायने नहीं रखता गाइस। स्कूल ने बहुत कुछ दिया है हमें और कभी कोई एक्सपेक्टेशन हमसे नहीं रखी कि आप लोग कुछ करो, कभी नहीं। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि अपने आसपास के जो भी बच्चे हो जो पढ़ना चाहते हैं तो वह ज़रूर हमारे स्कूल में ज़रूर एडमिशन ले, बहुत अच्छे से इनकी पढ़ाई के मामले में। देखो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं प्रमोट कर रही हूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगी ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं प्रमोट कर रही हूँ, जो स्कूल ने मुझे सिखाया है इस पड़ाव पर लाकर आज मैंने जो पाया भी है ना उसका श्रेय भी मेरे स्कूल को ही मैं दूंगी कि अपनी लाइफ में मैं यहाँ तक भी बढ़ी हूँ, मेरे स्कूल के बदौलत से ही बढ़ी हूँ। तो आई होप सो कि आप लोग भी अगर कोई नज़दीक में हो, कोई उरण में हो ना, तो ज़रूर माध्यमिक विद्यालय सांझे उरण, ये मेरी स्कूल है समाज प्रबोधन के नाम से, तो ज़रूर यहाँ पर आकर एडमिशन ज़रूर लीजिए। यहाँ पर आपको जो एजुकेशन की क्वालिटी समझ में आएंगी ना वो यहीं समझ में। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि आपके बच्चों को हाई फाई स्कूल की ज़रूरत है तो देखो हाई फाई स्कूल कुछ नहीं देता। मैंने शुरू में भी जब मैं मेरे बच्चे को लेकर आई थी तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे हाई फाई स्कूल, मैंने मेरी थिंकिंग मेंटेलिटी नहीं थी, मैंने उस मजबूरी से हालात से लोगों को बोर्डिंग में एजुकेशन दिया था बिकॉज आई एम सिंगल मदर और सारी जिम्मेदारी सारी चीज़ें सब मेरे हाथ में थी, तो मुझे आगे भी बढ़ना था, इन बच्चों की सब कुछ जिम्मेदारियों को लेना भी था, उस टाइम के सिचुएशन के हालात में मैंने डाला था। और जस्ट अभी मेरे बेटे का 11th स्टैंडर्ड अभी फिनिश हो गया है तो अभी असद का जो है इंशाल्लाह यहाँ पर डालने का कुछ प्लान चल रहा है मेरा 10th स्टैंडर्ड के लिए, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा बोला मम्मी मुझे डालो मुझे डालो, तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश जरूर करूँगी गाइस।
उसे डालने की। ये साल में ज़रूर मैं मेरी भतीजी, दोनों भतीजी मुस्कान और जो है महबूबी यहीं पढ़ती है, तो देखो सोच लो आप खुद ही। और मैं कहना चाहूँगी स्कूल के लिए कि एजुकेशन है, सेफ्टी है, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी। ऐसा नहीं कि लड़के लोगों में ज़्यादा रहना, ये सब चीज़ें। देखो आपकी लड़की अगर अच्छी हो ना तो मजा ले किसी की, कोई लड़का उसको छेड़ दे, ये बताओ मुझे। आज के टाइम में लड़कियों को सहन शक्ति उसके अंदर होनी ज़रूरी है। ब्लैक बोर्ड पर अक्सर है ना, मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट मैं एंगल लगाती हूँ। तो अक्सर है ना ब्लैक बोर्ड का एक सिलसिला रहता था हमारे स्कूल में, तो हमारे प्रिंसिपल सर फिलहाल नहीं है इधर, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। देखो कैसा होता है, जब सर आते थे ना हमारे क्लास में, सर को पता होता था कि कौन ज़्यादा मस्ती कर रहा है, किसकी आवाज़ आ रही है, तो सर सभी उठाइए इसमें से, जो मस्ती करता है, जो नहीं समझ रहा तो बोलते थे चलो उठो। यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन होते थे और बोलते थे छुड़ाओ। अब आप खुद सोचो, सब लोग साइलेंट, कोई क्योंकि मैथ्स में ऑलमोस्ट कुछ कुछ होशियार थे, सबका अलग अलग सब्जेक्ट था, कोई किस में स्मार्ट था, कोई और सब्जेक्ट में स्मार्ट था, ऐसा हिसाब था। तो ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन देते थे सर कि चलो इसको छुड़ा के दिखाओ, सब लोग साइलेंट कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं करता था, ना कोई चिल्लाता था, ना बोलता था कि हाँ मैं बहुत मुश्किल से गिने चुने। हमारे क्लास में जो थे ना, जो होशियार थे, जो लड़कियाँ थी, सबसे ज़्यादा लड़कियाँ ही थी और लड़कों में एक ही था, ठीक है, मैं इसका नाम लेके कंपेयर नहीं करूँगी किसी को क्लास में, लेकिन होशियार थे तो वो लोग आसानी से कर पाते थे, क्योंकि सबका सब्जेक्ट जो सबसे फेवरेट होता है वो मायने रखता था। तो सर देते थे, बोले थे छुड़ा दो, हम लोग कुछ नहीं छुड़ाते थे, बेसिकली खामोश बैठ जाते थे, क्योंकि बिकॉज सब्जेक्ट फेवरेट ये होता था, क्योंकि मुझे जो ज़्यादा इंटरेस्ट था गाइस, मैं इंग्लिश मीडियम, मुझे इंग्लिश मेरा जो है सब्जेक्ट वो फेवरेट था, और मुझे अगर कोई क्वेश्चन दे कोई पढ़ने का बोले तो मैं कर लेती थी। तो ये रही मेरी जर्नी, एंड थैंक यू सो मच कि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है गाइस जिसके सहारे मैं अपनी स्कूल की जर्नी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ और स्कूल की सभी यादें शेयर कर रही हूँ। इससे बढ़कर मुझे शेयर करने के लिए कोई दूसरा प्लेटफॉर्म तो नहीं मिल सकता। थैंक यू सो मच YouTube के, आपके सपोर्ट से मैं ये जर्नी पूरा जो शेयर कर रही हूँ अपनी जर्नी। और यहाँ पर हमारे क्लास में देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने भी देखा होगा ये फैन फैन को देखा होगा आप लोगों ने, क्लास जब चालू होती थी तो लाइट चली जाती थी, बेसिकली आम बात है, नॉर्मल बात है, जब उसमें लाइट चली जाती थी तो बैठ जाते थे हवा करते करते, फिर भी क्लास रुकती नहीं थी गाइस, बिल्कुल क्लास रुकती नहीं थी। और आप सभी को मैं थोड़ी देर बाद हॉल दिखाऊंगी, हमारी क्लास का हॉल जहाँ पर प्रार्थना बोली जाती थी, सुविचार बोले जाते थे, पंचांग बोले जाते थे तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। रियली सच गाइस, बहुत मिस करते हैं। चलो ये वाला जो है रूम, यहाँ पर सर मैडम बैठते थे, सिटिंग करते थे, यहाँ पर डिस्कशन होता था उनका कि बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाए, आगे का उनका टाइम टेबल क्या है, उनके खाने पीने के लिए वो आते थे यहाँ बैठते थे, एवरीथिंग। यार गाइस आप लोग भी सोचो कि ऐसे दिन बहुत मुश्किल है जो आप लोगों को मिल रहे हैं। और आजकल के टाइम में जो एजुकेशन में जो ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो रही है, एजुकेशन कम हो रहा है लेकिन फैसिलिटीज़ ज़्यादा दिख रही है, कि दिखने में मैं कहूँगी बहुत अच्छा खासा व्यू है, बिल्डिंग के अंदर है ये है, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये सोचना ज़रूर कि मैटर ये करता है कि एजुकेशन ज़्यादा मैटर रखना चाहिए, फैसिलिटीज़ ज़्यादा मैटर नहीं करना चाहिए कभी भी। क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि स्कूल हमारी जो है उसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्व, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एजुकेशन को ही दिया जाता है, बाकी बच्चों को लाइफ में वही काम आएंगी। ये सब एमिनिटीज़ काम नहीं आती है, जो अगर आप एक्सपेक्टेशन सोच के कर रहे हो कि हमारी स्कूल इतनी पुरानी है क्यों डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो मैं कहूँगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एजुकेशन पर ही यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और आई प्रेफर ऑल ऑफ यू, जो बच्चे जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो सबसे ज़्यादा चाहते हैं कि उनके बच्चों को एजुकेशन में परफेक्ट पढ़ाना है, तो यही स्कूल के लिए आप ज़रूर आना। ये सांझे उरण, यानी आप अगर आते हो माध्यमिक विद्यालय सांझे उरण, उरण में ही है, यहाँ कॉलेज तक मिल जाएगा। और प्लीज़ गाइस एक बार विजिट करके देखना, शायद मैं कहूँगी ना, मैं इतना तो 100% कहूँगी, आपके बच्चे की एजुकेशन में जितना डेवलपमेंट होगा ना वो कहीं नहीं हो सकता गाइस। इसलिए मैं कहूँगी आप लोग जल्द से जल्द आने की पूरी कोशिश करें, अपने बच्चों का एडमिशन ज़रूर करें स्कूल में। अभी मैं आई हूँ अपने क्लास के बाहर और आप सभी को दिखाना चाहूँगी, 26 जनवरी 15 अगस्त के टाइम पे यहाँ पर झंडा फहराया जाता है। और इसी के साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हो ग्रास, ये सबसे बड़ा टाइम पास है हमारी क्लास के लिए, जो हम लोग बहुत ज़्यादा वेट करते हैं कि घंटी कब बज जाए। पीटी का क्लास होता है जिसमें हम लोग यहाँ पर बैठे बैठे घास टाइम पास कर करके चुनते थे, पूरा निकालते थे, पूरा साफ क्लीन करते थे। हमारे सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट का अगर मैं बात करूँगी तो पीटी सबसे ज़्यादा फेवरेट था, जिसमें सबसे ज़्यादा सभी लोग वेट करते हैं, बोलते ना एक बोलते गपशप,
एक बोलते हैं ना गॉसिप होती थी, बातें होती थी, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मिस करने के लिए होती थी। जो हम लोग सबसे ज़्यादा पीटी वाले सब्जेक्ट को ज़्यादा सेलेक्ट करते थे, हमें स्कूल के तरफ से यूनिफॉर्म भी मिलते थे जो आर्मी की तरह होते थे पीटी का, और उसमें सभी को देते थे, गर्ल्स को ऐसा नहीं कि बॉयज़ को नहीं, सभी को देते थे क्लास में पूरे। और स्कूल में आपको बोलते ना कभी ऐसे कंपेयरिंग नहीं किया गया हमारे कि वो बच्चों को अलग ट्रीट करो, आपको अलग ट्रीट करो, होशियार बच्चे को अलग ट्रीट करो और ढह बच्चे हैं उनको अलग ट्रीट करो, ऐसा कभी हमारे क्लास में कभी नहीं हुआ है। सभी को एक जैसा समान अधिकार मिला है और समान वो चीज़ दी गई है सभी को। मैंने आप लोगों को सभी मेरे क्लास के स्कूल की सब चीज़ों की यादें बताई, अभी और आपको बताने वाली हूँ। बस थोड़ा एग्ज़ाम हो जाए, आपको प्रार्थना हॉल दिखाऊंगी और आपको दिखा देती हूँ। जैसे ही घंटी बेल बज जाती थी तो ये खाने की चीज़ें, ये गेट के बाहर हमारी जो मौसी आती थी जो खाने पीने की लेके आते थे, जैसे कि वड़ा पाव, इतनी उधारी कर लेते थे हम लोग। उस टाइम पे पॉकेट मनी बहुत कम होती थी गाइस, पॉकेट मनी इतनी होती नहीं थी हमारे पास, हमारे घर से मिल जाता था 5 रुपये। उस टाइम पे 5 रुपये बोले तो 10-15 रुपये के बराबर होता था, तो लड़कियाँ कुछ कुछ लड़कियाँ टिफ़िन लेके आती थी और 5-5 रुपये बहुत मायने रखता था। कभी कभी तो पैसे भी हाथ में नहीं होते थे, फिर भी मौसी हमारी जो है, हमारी मौसी जो होती थी वो उधार भी दे देती थी, कितना उधार चढ़ा देते थे हम लोग, लेकिन कभी बुरा नहीं माने। यहाँ पर एक आते थे एक ये गेट पर एंड एक वो वाले गेट पर गाइस, तो कभी उन्होंने बुरा नहीं माना, बोलते थे जाओ जाओ ले लो उधार, उधार बहुत चलते थे। रगड़ा आता था, पाव भाजी, मैं कहूँगी ये भजिया पाव, वड़ा पाव, और उस टाइम पे है ना अमाउंट अगर मैं कहूँगी तो 3-5 रुपये चलता था वड़ा पाव का, तब इतना सस्ता था। सोचो अब 2004 और 2005 की बात कर रही हूँ मैं, तब इतना सस्ता था वहाँ पे। अब बहुत वक्त बदल गया है, सिचुएशन बदल गई, अभी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किया गया है यहाँ पर पूरा गार्डन का, यानी फूल पौधों का पूरा लगाया गया है, बहुत ज़्यादा चेंजेस किया गया है स्कूल के अंदर। मैं कहूँगी इससे ज़्यादा स्पेशल चीज़ मुश्किल है गाइस आप लोगों के लिए। तो ये रही मेरी स्कूल, आई होप सो कि मेरे वीडियो के थ्रू आप सभी को वो यादें ताज़ा हो गई होंगी स्कूल की, जो सोचते होंगे कि कहीं ना कहीं आप लोगों की यादें बचपन की जुड़ी ज़रूर होंगी। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ गाइस के यूट्यूब के सपोर्ट से, और YouTube एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसकी तरफ से मैं अपने स्कूल को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रही हूँ, इतनी खुशी हो रही है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितनी फ्रेंड्स थी सब लोग मैरिज होकर यहाँ वहाँ सब लोग निकल गए, सबकी जो एज थी मैरिज की वो बिल्कुल कम एज में ही सभी की है, कुछ कुछ है जो अपने हिसाब से एज में की है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो लड़कियाँ थी वो एज कम एज में ही की गई उनकी शादी, 10वीं होने के बाद ही सबकी शादी हुई है। और अब तब के सिचुएशन में और अभी के सिचुएशन में सिर्फ इतना चेंज आ गया है कि हमें ये चीज़ पता चल गई है गाइस कि एजुकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है लड़कियों को, और लड़कियों को इतना सपोर्ट करो कि लड़कियां आगे बढ़ के दिखाए। एंड स्पेशली विजया, तुझ्यासाठी हे फक्त बघून घे आणि प्लीज डोंट क्राय, रडू नकोस ग। तो आपका बताना चाहूंगी विजया मेरी जो फ्रेंड है, क्लासमेट है हमारे काफी, जिनका मैंने नाम लिया, और कुछ कुछ प्लीज गाइस, अस्मिता तेरा भी नाम ले रही हूँ मैं, सॉरी मैं भूल गई, तो मैं कुछ कुछ नाम अगर भूल गई होंगी तो आई एम रियली एक्सट्रीमली सॉरी। ओमकार, तो मैं कुछ कुछ नाम भूल गई होंगी, तो आप सभी को मैं कहना चाहूँगी विजिट करो यार, अपनी स्कूल को याद करो, देखने के लिए आओ यार, इससे बढ़कर कुछ चीज़ें लाइफ में नहीं मिल सकती। देखो हमारी एज तो बढ़ते बढ़ते निकल गई, 34 के आप लोग हो गए हो, लाइफ में हम लोग लिख के नहीं लाए हैं कि हमारा इस प्लैनेट पर कितना साल रह गया है, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ की यादें तो जुड़ी हुई है, यहाँ का वो बोलते ना एक स्पेशल फीलिंग जुड़ी हुई ज़रूर है। प्रार्थना हॉल है यहाँ पर, प्रार्थना हॉल में कुछ भी अगर स्कूल में कुछ भी होता था, कोई आते थे बड़े बड़े लीडर या डांस कंपटीशन होता था तो प्रार्थना हॉल में हम लोग सुबह सुबह की प्रेयर भी होती थी। देख रहे होंगे कि बाइसिकल भी यहाँ पर खड़ी हुई आपको दिख रही होंगी पार्किंग में बाहर के, हमारे नसीब में बाइसिकल मिलती ही नहीं थी क्योंकि हमारा जो घर था वो काफ़ी घर के बाजू में, यानी कहूँगी यहाँ से विथिन 10-12 मिनट का रास्ता था, तो हमें इतनी बाइसिकल की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हाँ, बाइसिकल देखने से ये भी लगता था कि काश हमारे पास भी बाइसिकल होती और काश हम लोग भी आते थे, क्योंकि बहुत दूर दूर से आने वाले लड़कियाँ सब बाइसिकल से ही आती थी। और स्कूल के अंदर जो भी स्पोर्ट्स का होता था, रनिंग होता था या फिर खो खो होती थी, कबड्डी होती थी, सब कुछ आपको इसी मैदान के अंदर, ये मैदान एक ये साइड है एंड ये हॉल है उसके पीछे वो होता था, भाला फेंक होता था, सारी चीज़ें आपको यहीं मिलती थी। बहुत सर की हमारी बाइक, प्रिंसिपल सर की बाइक है ये, सर की है ना बाइक आ जाती थी ना सब खामोश हो जाते थे क्लास में, क्योंकि सबको पता था प्रिंसिपल सर है, निकम सर है उनका नाम, हमारे जो प्रिंसिपल सर है उनका नाम है निकम सर। बहुत डर लगता था हम लोगों को, एज अ रिस्पेक्ट, नॉट वो डर के डेंजर या फिर मारी मारी छड़ी, कभी नहीं। आपको ये भी बात बताना चाहूँगी, प्रिंसिपल सर ने हमें कभी मारा नहीं गाइस, कभी नहीं मारा कि छड़ी लेके मारो, कुछ नहीं। उनका डर एक चीज़ का बना रखता था, आँखों से वो डर होता था, जिसकी वजह से कोई गलत बैड यूज़ नहीं करता था, कोई ज़्यादा बोलते ना शाइनिंग, हमारे ये मैडम है ना लता मैडम, वो बोलते थे मैट्रिक पास
जब भी 10वीं SSC जो होता था उसको बोलते थे मैट्रिक पास, मैट्रिक पास। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. तो आपको मेरे प्रिंसिपल सर का ऑफिस दिखा देती हूँ मैं। एक्चुअली ऑफिस में अलाउ नहीं होता था स्टूडेंट का ज़्यादा, किसी को अलाउ नहीं करते थे। तो ये हमारे प्रिंसिपल सर का ऑफिस है। प्रिंसिपल से यहाँ बैठते थे हम लोग ज़्यादा, पहले चेयर नहीं थी ज़्यादा यहाँ पे, बहुत कम। अगर बाहर से कोई लोग आते थे मेहमान, यानी बड़े बड़े जो अधिकारी अध्यक्ष होते थे, तो उनके लिए चेयर ज़्यादा लाके रखते थे। लेकिन हम लोग मोस्टली कोई कंप्लेंट्स होती थी तो यहाँ खड़े होते थे, किसी की कोई लड़कियों की कोई शिकायतें आती थी तो यहाँ खड़े होते थे। और निकम सर बहुत आंखों में आई टू आई देखकर ना हम लोग कोई ज़्यादा बातें नहीं करते थे। गाइस, हमारी स्कूल की है ना बेल है ना, वो मैं ही बजाने वाली अपने हाथों से। तो फाइनली मैंने ही घंटी बजाई और अभी सब क्लास के दो दिन के एग्जाम हो रहे हैं, वो बाहर आने वाले हैं। गाइस थोड़ी देर से हम जाएंगे और आपको प्रार्थना हॉल भी अच्छी तरह से दिखाएंगे। फाइनली गाइस ये है हमारा प्रार्थना हॉल। हेलो एवरीवन, मला वाटतं 10वीचा एग्जाम मस्त झाला तुमचा, हॅप्पी तर आहेत ना? तो इनका 10वी का एग्जाम अभी हुआ है एंड आई होप सो कि सब बहुत खुश है, बहुत ज्यादा। शायद तो नहीं हो ना, पेपर अच्छे गए? पेपर चांगले गेले का ना तुमचे? तुमचा फेवरेट सब्जेक्ट कोणता? मॅथ्स। मी लांबच राहते। इंग्लिश मध्ये कोण फेवरेट आहे सब्जेक्ट तुझा? तू माझ्या पार्टीमध्ये ये। तो गाइस इन लोगों का अभी एग्जाम हुआ है फिलहाल एंड आई होप सो के फ्यूचर में ये बहुत कुछ कर सके। और यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में प्रार्थना हॉल में सर यहाँ खड़े होते थे, निकम सर हमारे, और यहाँ पे हमारी प्रार्थना, सुविचार, एवरीथिंग। तो मॉर्निंग में हमारी प्रार्थना यहाँ पे होती थी, सुविचार हो, पंचांग हो, और प्रार्थना में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सुबह की प्रार्थना में, खरा तो एक ही धर्म जगाला प्रेम पावे, ये बहुत एक बोलते पुरानी यादों की ताजा में ये सब चीजें हमें बहुत अच्छा लगता था। रोज नए नए पंचांग, नए नए सुविचार, और इसी के साथ ही साथ बहुत सारे, अगर क्लास में कभी लेट आ जाते थे तो थोड़ा बाहर रुकना पड़ता था, वहाँ पर सर बोलते थे नहीं अलाउ नहीं है, बाहर रहो, जो भी लेट आया है तो बाहर खड़े रहो। एंड आई एम टोटली वेरी मच हैप्पी गाइस कि एक स्कूल को एक प्रार्थना हॉल, ये हॉल ऐसा है कि जहाँ पर आपके सभी लोग, सभी क्लासमेट जो भी रहते थे, एक उनके साथ बातचीत करना, फिर भी एग्जाम के टाइम पे भी बातचीत होती थी, और ऐसा नहीं कि हम लोग ज़्यादा साइलेंट रहते थे, थोड़ा हो जाता था, क्योंकि ऐसी चीज़ें यादें करना बहुत मुश्किल है ना गाइस। एंड आप लोग खुश हो ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मराठी हिंदी में मैं मराठी सांगे ज्यादा लोगों ने गलत है ना उन्होंने, ओके तो मुझे एक बात बताओ, ये स्कूल से तुम लोग क्या सीख कर जाएंगे? एक मन में सोच लो, दो मिनट सोच लो कि आज आप 10th स्टैंडर्ड में हो, 10वीं में हो, SSC में हो, मैट्रिक हो, तो आप क्या सीख कर जाएंगे यहाँ से? कुछ यादें सीख के जाएंगे, कुछ अच्छी यादें, बुरी यादें, या फिर जिंदगी की ऐसी चीजें जो आप लोगों को कुछ याद रहे? चलो सोच लो जल्दी जल्दी। और मेरी भतीजी है और दूसरी का है क्लास में, ओके तो कुछ यादें मेरे को बताओ, चलो एक एक करके बताओ। सो फर्स्ट यू, क्या यादें सोच के जाएंगे यहाँ से, कुछ लेके जाएंगे? अरे यार मैं इतनी बड़ी हूँ, बैठ नीचे, मैं आपकी क्लास की छू, क्या सीख के जाएंगे यादों में से? अच्छे बुरे दिन, अच्छा लाइफ में आप कमा कर इतने एकदम अच्छे लेवल पर आ जाएंगे तो सबसे ज्यादा क्रेडिट किसको देंगे, इसका श्रेय? नहीं मैं आपको ठीक है, इन्होंने कहा कि स्कूल को यानी मैडम को, जो टीचर सर, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, देखो आज मैं जो भी हूँ, मैं जिस पोजीशन पर आज खड़ी हूँ और अपने बच्चों को संभाल कर यहाँ तक आई हूँ, वो उसका क्रेडिट मैं अपने स्कूल को, अपने मैडम को, अपने प्रिंसिपल सर को, एंड इवन इंक्लूडिंग यहाँ के हमारे जो दादा है सुरेश दादा एंड जो नए दादा है उनको भी देना चाहूंगी, ठीक है? क्योंकि कभी भी जिंदगी में अपना क्रेडिट किसी को ये नहीं करना चाहिए आप लोगों को कि उसको क्रेडिट मत दो। आप लोग कितना भी कमाने लग जाओ ना, 1,00,000 रुपए तक भी कमाने लग जाएंगे ना, लेकिन क्रेडिट देना जरूर, क्योंकि ये स्कूल आप लोगों को क्या सिखा रही मालूम है? वो वैल्यू सिखा रही है। आप लोग अगर अपनी जो फील्ड में जो जा रहे हो ना, कोई सब लोग अपने अपने फील्ड में जा रहे हो, कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई एजेंसी चलाएगा, अपना अपना सबका होगा कि मुझे ये बनना है लाइफ में, राइट? कुछ तो सोचे होंगे ना कि मुझे ये बनना है, टपोरी तो नहीं बनना भाई लाइफ में, टपोरी नहीं बनना,
बंटिया बंटिया ये कुछ काम नहीं आता है, ये लाइफ में कुछ काम नहीं आएगा आप लोगों की। आपकी वैल्यू जो होंगी ना आपके सही लैंग्वेज से होंगी। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड गाइस इसे विश जरूर करना। क्या नाम है? रियान। मेरे बेटे का नाम भी रियान है। मेरे बेटे का नाम तो मैं आप लोग विश जरूर करना, रियान अभिषेक है और इसे विश जरूर करना गाइस। और मैं कहूंगी कि ये जो टाइम है ना भूल कर भी लौट कर नहीं आते हैं। आज मैडम सर को आप लोग देखेंगे ना कि वो वैसे ही है, सिर्फ हमारे अंदर बदलाव हो चुका है। हमारी एज के साथ हम लोग आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे, फिर हमें याद आ रहे वो एक स्कूल थी, माध्यमिक विद्यालय सांझे उरन थी, जाओ या नहीं जाओ कभी मत भूलना इस स्कूल को, क्योंकि ये स्कूल आप लोगों को जो दे रही है ना, कल जाके आप ना किसी लीडर के बीच में भी बैठ सकते हो, वो भी इस स्कूल के वजह से। क्यों बता रही हूँ? अगर आप लोग सीख कर जा रहे हो ना तो इस स्कूल को क्रेडिट, पेरेंट्स को क्रेडिट बाद में दो। मैं आपको बता रही हूँ, पेरेंट्स जन्म देते हैं, वो हमें इस दुनिया में लाते हैं, लेकिन एजुकेशन की जो वैल्यू होती है ना वो ये गुरु दे सकते हैं। गुरु बिना ज्ञान अधूरा है, ये बात ध्यान जरूर रखना सभी ने, क्योंकि आज ये हमारे गुरु है। हमें चाहे किसी भी मोमेंट पर हम लोग कहीं भी चले जाए, कहीं भी ये गुरु को जरूर याद रखना, यहाँ पर आना जरूर, क्योंकि आप लोग टेंथ के बाद कॉलेज जाना शुरू हो जाएगा। आणि एवढे पण बोलत नव्हते मॅडम, एवढे पण बोलत नव्हते आम्ही, इक्वली आहे मॅडम सर, सगळ्यांना इक्वली समजतात इकडं, आमचे कधी नाही असे मॅडम की त्यांनी कधी जातीबद्दल, ठीक आहे, मोस्ट इम्पॉर्टंट ना, मला शिकून जाते हे लक्षात ठेवा। जिंदगी में चाहे कितने भी बड़े लेवल पर आप लोग चले जाए, आप लोगों के अंदर इंसानियत को कायम रखना। आप किस समाज से हो, किस धर्म से हो, धर्म को पीछे रखो। जब तक आप एक अच्छे इंसान नहीं बनेंगे ना, वो धर्म की वैल्यू नहीं होगी आप लोगों को। और हर किसी के धर्म की आप सभी रिस्पेक्ट रखें। आज का अभी जो टाइम समय जो चल रहा है ना, वो बहुत खराब चल रहा है, आप लोगों को बताना चाहूंगी, उस पर ध्यान रखो। ये समाज आप लोगों को सिर्फ बहुत कुछ गलत सिखाएगा, क्योंकि दसवीं के बाद आप लोग सब लोगों के बीच में जाने वाले हो, उनकी बातें दिमाग में लेकर आने वाले हो, लेकिन दिमाग में सिर्फ अपने जहन में अपने अंतर आत्मा में ये चीज याद रखना कि इंसानियत से ज्यादा कोई दूसरा धर्म नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और लड़कियां मैं सबसे ज्यादा आप लोगों को कहूंगी दिल खोल के, नको मैडम मी आंखें से मत लिया हो, देखो लड़के अपनी लाइफ मुझे पता है बिता लेंगे, अपने पेरेंट्स से लड़ जाएंगे, राइट? आप लोग लड़ते हो ना, लड़कियों से ज्यादा लड़ते हो, मला हे पाहिजे मला ते पाहिजे मला हे व्हायचं ते व्हायचं मध्ये नको बोलूस, बोलते हो ना पेरेंट्स को अपना, यानी तुम लोग पेरेंट्स के ऊपर अपना दबाव डालते हो, ये मुझे चाहिए वो मेरा है बस। लेकिन लड़कियों को मौका कम मिलता है, बहुत कम मिलता है। आप लोगों को लगता है कि अगर मैं यहाँ पर पांच छह लड़कियां भी खड़े कर दूं ना और दस लड़के, तो मैं कहूंगी वो पांचों लड़की अच्छे अव्वल नंबर से अच्छे नंबर के रैंक से लाएंगी, क्योंकि कैपेबिलिटी की बात कर रही हूँ मैं। लड़कियां बहुत होशियार होती है पढ़ाई में, लड़के होते हैं लेकिन लड़कों के अंदर वो चुलबुलापन वो मस्तीपन होता है ज्यादा, इसलिए वो हमेशा फेल हो जाते हैं उस चीज में। तो लड़कियों से मैं हमेशा कहूंगी कि आप लोग सभी सभी लड़कियों से डट के सामना करो जिंदगी का, पेरेंट्स से लड़ो मत, इतना वो मत लड़ो, बट अपने कम्युनिकेशन जुबान से लड़ो। आप लोगों को पढ़ाई करके आगे बढ़ना है ना, या चूल्हा पकड़ना है घरदार गृहस्थी, हाँ नहीं ना, तो ये ध्यान रखना। एजुकेशन जितना आप लोग लेंगे, अभी 11 की आपकी पढ़ाई होंगी, आगे कॉलेज जाएंगे ना आप लोग सभी, तो कॉलेज जाने के लिए उसके लिए ना आप लोग अपने लिए लड़ो, आपसी में लड़ो कि भाई मुझे लड़ना है, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे कुछ बनके दिखाना है। एम्बिशन तो होगा, सिंगल होना है किसी को, किसी को कुछ और बनना है, कुछ तो एम्बिशन होगा, लड़कियों का भी होगा ना। और लड़कियों की काउंटिंग बहुत कम है, लेकिन आप सभी के लेवल से सबसे ज्यादा लड़कियों की वैल्यू है यहाँ पे, क्योंकि लड़कियां बहुत तेज होती है, ध्यान रखना। अभ्यास हमें मुंह चलाने में भी बहुत तेज होती है। गाइस आप लोगों से बहुत खुशी मिली, सब लोगों से, मुझे बहुत अपनी यादें ताज़ा हो गई ये प्रार्थना हॉल को देखकर। हम पता है आप लोगों को, जब भी प्रार्थना हॉल में हमारी जो लाइन लगती थी ना, ऐसी बड़ी लाइन रहती थी, इतनी बड़ी लंबी लंबी ऐसे जाते थे, और निकम से होते थे ना, उनको जरा भी आंखों से देखते थे नीचे मुंडी, ऐसे जाते थे हम लोग, काफ़ी यादें हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का जो पेपर भी हो गया होगा, इतना ज़्यादा आप लोगों को प्रेशर नहीं है एग्जाम के अंदर इस वक्त, सर मैडम जो भी है जितना भी हो सकता कर लेते, आप लोगों को प्रेशर नहीं, प्रेशर है ना अपने लाइफ में तब बनाना जबकि कुछ जुनून हो आपके अंदर। देखो मैं आज बोलकर चली जाऊंगी, आज से 5-10 साल के बाद कोई ना कोई तो आएगा जरूर इसमें से यहाँ पे प्रवचन देने के लिए, ठीक है, लेकिन अपने स्कूल को मत भूलना, प्रिंसिपल सर है मैडम है, हालचाल पूछते रहना। आप लोग लाइफ में बड़े हो जाएंगे, पैसा बहुत कमाएंगे, आप लोग अपने सर मैडम को आके पूछना, यादगार वो चीजें रखना जरूर, ठीक है। यार सब्सक्राइब तो करवाने बोल दो, लाइक करो फॉलो करो सब्सक्राइब, थैंक यू बड़ी। सो गाइज आप लोगों को सभी लोगों को ये मेरा पूरा प्रार्थना हॉल में बताई हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर इनके एग्जाम चल रहे थे,
आई होप सो कि आपको पूरी वीडियो पसंद आई होंगी। तो प्लीज डू लाइक टू शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर दबाइए और प्लीज हो सके तो अपने स्कूल में जरूर जाइए और वो यादें जरूर ताजा करिए इनके साथ। ठीक है, फोटो हो जाए साथ में, चलो एक फोटो निकाल दे गाइस। थैंक यू, थैंक यू। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चलो। ये भी एक नया है ना, प्रार्थना हॉल के बाजू में ही ये प्लेग्राउंड और बनाया गया पूरा। पहले यहाँ पे कुछ नहीं था बैक साइड पर, तो ये बहुत बड़ा प्लेग्राउंड बनाया है यहाँ पर।